हाई एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, और सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को कैसे किया जाता है। मैं एक्चुअल कोड लिख के बताऊंगा आपको कि एक एक्चुअल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को क्रिएट किया जाता है। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको कुछ समझ में आएगा और तो ही आपको कोई वैल्यू मिलेगी। नाउ गाइस, बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर यू चेक आउट द फ्री ट्रेनिंग ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर इन 90 डेज। आई एम हैविंग ए फ्री ट्रेनिंग जहां मैं आपको बताऊंगा 5-step formula जिससे आप अपना वेब डेवलपमेंट करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया हो, मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड लेट्स बिगिन। सो यहाँ पर हमने हमारे hindi-tech-tutorials.com की वेबसाइट खोल ली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता क्या है। तो ये वेबसाइट है, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक वेबसाइट है, ठीक है। दिस इज़ फाइन, आप देख रहे हो ये डेस्कटॉप में बहुत अच्छे से काम कर रही है। नाउ एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब ये होता है कि वो डेस्कटॉप में भी अच्छी दिखे, टैबलेट में भी अच्छी दिखे, लैपटॉप में भी अच्छी दिखे, मोबाइल में भी अच्छी दिखे, सभी डिवाइसेस में अच्छी दिखनी चाहिए। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको डिफरेंट साइजेस में देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देता हूँ, इस तरीके से। तो सबसे पहले अभी मैं बड़े उस पर हूँ, बड़े, अब इससे पहले जो था वो डेस्कटॉप का था। अब मैं इस वाले साइज़ को समझ लेता हूँ कि ये लैपटॉप का साइज़ है, लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी सी छोटी हो सकती है, ठीक है। तो ये लैपटॉप का डिज़ाइन है। अब मैं और छोटा जाता हूँ तो देखो ये वेबसाइट जो है अपने आप रिसाइज हो रही है, ठीक है। अब आप इसको टैबलेट का साइज़ बोल सकते हो, टैबलेट के साइज़ पे ये आने के बाद भी ये वेबसाइट इट्स लुकिंग गुड एज वो जितनी शुरुआत में दिख रही थी। आप नीचे भी देखोगे तो सारा कंटेंट जो है वो अच्छा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये टैबलेट के लिए हो गया। इससे अगर मैं नीचे जाता हूँ तो आप देखोगे मेरी इमेज यहाँ से गायब हो गई है, क्योंकि अब छोटी साइज़ में जब हम जा रहे हैं, मान लो मोबाइल के लिए जा रहे हैं, तो मोबाइल में क्या हुआ कि हमारी मेरी इमेज, फिर इतना बड़ा टेक्स्ट और सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, तो हमने उसको रिमूव कर दिया। मैं इसको और छोटा करता हूँ, ठीक है। देखो और छोटा किया तो छोटे डिवाइसेस के लिए हो गया। तो आप देखोगे कि मैं छोटे डिवाइस से लेकर बड़े डिवाइस तक मेरी वेबसाइट जो है वो अपने आप यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट होती है। तो ये एडजस्ट कैसे होती है, इसको हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बोलते हैं। इसको हमें कोड करना पड़ता है और आज मैं आपको वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे कोड करोगे, ठीक है। तो ये मेरा वेबसाइट था। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कोड एडिटर में यहाँ पे मेरा खोल लेता हूँ, ठीक है। और कोड एडिटर में मैं यहाँ पे एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे हम इसका टाइटल दे देते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हम इसका टाइटल दे देते हैं और इसका CSS हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फाइल को लिंक कर दूंगा और style.css मैं इसको लिंक कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक div मैं बनाऊँगा कंटेनर के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर एक बॉक्स के नाम से div बनाऊँगा। इस बॉक्स को मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बॉक्सेस चाहिए मुझे, और इसको मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा जो HTML था वो यहाँ पे हो गया है और इसको मैं गो लाइव कर देता हूँ, ठीक है। गो लाइव किया और यहाँ पे ये खुल गया, बट अभी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। कुछ दिखाई इसलिए नहीं देगा क्योंकि अभी हमने कुछ भी CSS नहीं लिखा और ये सब कुछ ब्लैंक है। तो मैं अपनी style.css में जाऊँगा और style.css के अंदर चेंजेस करना शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं HTML और बॉडी के अंदर क्या करूँगा, डॉट नहीं कॉमा, इन दो में हाइट जो है वो 100% दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं स्टार का आइकन लगा कर यहाँ पे मार्जिन 0 कर दूंगा और पैडिंग 0 कर दूंगा। ये सिर्फ बेसिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ये मार्जिन पैडिंग थोड़ा ब्राउजर अपने हिसाब से सेट कर लेता है, तो वो सेट ना कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो ये मार्जिन पैडिंग मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कंटेनर की स्टाइलिंग करूँगा, ठीक है। और कंटेनर की स्टाइलिंग में क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो ले लूँगा वॉयलेट, ठीक है। उसके बाद इसकी मैं विड्थ ले लूँगा, दैट विल बी 100%, हाइट हो जाएगी यहाँ पे 100%, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्ले जो हो जाएगा दैट विल बी फ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको हम इतनी रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे वापस और आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ मुझे बैकग्राउंड इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, अब इसके अंदर मुझे मेरा बॉक्सेस वाला जो कॉन्टेंट है वो मैं यहाँ पर डालूँगा, ठीक है। बॉक्स के लिए मैं डॉट बॉक्स को टारगेट करूँगा
और डॉट बॉक्स के अंदर विड्थ में ले लूँगा 100 पिक्सल, ठीक है, और हाइट में ले लूँगा 100 पिक्सल, ठीक है, और इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएगा बैकग्राउंड कलर, और वो हो जाएगा एक्वा, ठीक है, एक्वा हो जाएगा। अभी के लिए मैं डिस्प्ले फ्लैक्स यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ एक दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे बॉक्सेस एक के नीचे एक जम गए हैं, अभी सिंगल लाइन की तरह दिख रहा है, सिंगल लाइन की तरह इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बॉक्स एक के ऊपर एक, मतलब बीच में गैप नहीं है इसकी वजह से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दूंगा। डिस्प्ले फ्लैक्स लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, बट अभी चिपक रहे हैं तो उसके लिए मैं थोड़ी सी इसकी और स्टाइलिंग करूँगा। इसके बाद मैं जस्टिफाई कॉन्टेंट करूँगा और इसमें होगा स्पेस अराउंड कर दूंगा मैं इसको, ठीक है, स्पेस अराउंड करूँगा और इससे क्या होगा, आप देखोगे इसके बीच में स्पेस आ जाएगी, ठीक है, अपने आप स्पेस आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस अराउंड करने के बाद मैं नीचे आके अलाइन आइटम्स करके इसको मैं सेंटर कर दूंगा, तो ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक हमने बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लिया। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट करके अगर मैं इसको छोटा करूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये इसको छोटा करने पे चिपके जा रहा है, क्या हो रहा है, ये चिपक रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, बट इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, बस ये चिपक रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से काम ना करे, एक टाइम के बाद ये इसमें चेंजेस आए कि ये जो बॉक्सेस हैं ये अपने आप नीचे चले जाए, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे 1495 जैसे जैसे मैं छोटा करता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको ये दिखता जाता है, ठीक है। तो मैं इसको छोटा करता हूँ, छोटा करता हूँ, छोटा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये 600 पिक्सल के नीचे जाए और कुछ इसके अंदर चेंजेस हो, तो वो मैं कैसे करूँगा। यहीं पे काम आता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं मीडिया क्वेरीज, ठीक है। मीडिया क्वेरीज बेसिकली क्या करता है कि मीडिया क्वेरीज ये सेट करता है CSS में कि इस रिजोल्यूशन से नीचे जाने के बाद हमें क्या करना है, ठीक है। तो मीडिया क्वेरीज हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और सबसे पहले लिखूँगा @media, ठीक है, ओनली स्क्रीन एंड, ठीक है, इस तरीके से हम मीडिया क्वेरीज लिखते हैं। और यहाँ पे मैक्स विड्थ लिखेंगे। मैक्स विड्थ का मतलब होता है कि इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो हमें ये चेंजेस करने हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं चेंज क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डॉट बॉक्स का आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने सेव किया और मैं यहाँ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखो अभी 729 पे है। जैसे ही मैं 600 पिक्सल से नीचे जाऊँगा तो 601, और जैसे ये 597 पे चला गया अभी और ये रेड हो गए, तो यहां से गेम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे एक पीसी है तो उसका रिजोल्यूशन बड़ा होगा, एक जो टैबलेट है उसका रिजोल्यूशन 1000 के अराउंड होगा, एक मोबाइल जो है उसका 768 से कम होगा। तो आप अलग अलग रिजोल्यूशन को टारगेट करके यहां पे चीजें डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बॉक्स को यहां पे इस तरीके से टारगेट किया। अब मैं क्या करूंगा, कंटेनर जो हमारे पास क्लास थी इसके अंदर में डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दूंगा, ठीक है, क्या लगा दूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दूंगा, इसको सेव कर दूंगा और यहाँ आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ और जैसे ही ये और छोटे होते हैं और दे शुड गो डाउन, ओके, तो मेरे को डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगाना है यहाँ पे, इट शुड बी डिस्प्ले फ्लैक्स तो मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। यहाँ पे मेरे को करना है फ्लैक्स रैप, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा रैप, ठीक है। ये करने के बाद मैं अगर इसको छोटा करता हूँ, देखो पास आया, और जैसे ही ये ज़्यादा पास में आने लगते हैं ये एलिमेंट्स नीचे ड्रॉप होने लग जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ये ड्रॉप होने लग जाएंगे। तो इसको देखो पहले क्या हो रहा था, ये सब चिपक रहे थे, अब 600 पिक्सल के जैसे ही नीचे मैं जाता हूँ और जैसे ही एलिमेंट्स पास में आते हैं ये क्या होता है, ये एलिमेंट्स नीचे गिरने लग जाते हैं। तो आप देखोगे अपने आप ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप सेंटर होने लग गई है, ठीक है। और भी मैं थोड़ा सा आपको करके बताता हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरे कोड एडिटर में जाऊँगा और index.html में जाके ऊपर एक h1 ऐड कर लूँगा और इसका जो है उसका नाम हम चैनल का नाम दे देंगे हिंदी टेक
ट्यूटोरियल्स, हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स दे दिया, और यहाँ आके देखेंगे तो हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो सब कुछ एकदम सही है, सब कुछ जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि एक टाइम के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस आए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने कोड में जाऊँगा और स्टाइल डॉट सी एस एस में जाऊँगा, और अभी हम रहने देते हैं इसको, अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, अभी मैं नहीं चाहता कि कुछ भी इसके अंदर चेंजेस आए, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं मीडिया क्वेरीज 600 पिक्सल से नीचे जाकर, मतलब कि और भी जो छोटे डिवाइसेस हैं 600 नहीं 400 पिक्सल पे जाकर मैं क्या करना चाहूँगा, 400 पिक्सल पे जाकर मैं बॉडी, ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना चाहता हूँ। इससे क्या होगा हमारा कि जैसे ये 400 पिक्सल के नीचे जाएगा, आप देखो इसको छोटा करता हूँ, आप देखो लेफ्ट में है मेरा टेक्स्ट, बट जैसे ही 600 के नीचे गया तो ये रेड रेड हो गए, ठीक है, और ये सारे अरेंज भी होने लगे, लेकिन जैसे ही 400 के नीचे जाएगा हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। देखना, देखो सेंटर में आ गया, इधर भी बराबर गेप, इधर भी बराबर गेप, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, आप यहाँ पे मल्टीपल चेंजेस कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि मैं जो बॉक्स का कलर है ना वो वापस यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। बॉक्स को मैं यहाँ टारगेट करता हूँ और बैकग्राउंड कलर जो है उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, और यहाँ पे आके आप देखते हो, देखो अभी ये सब कुछ नॉर्मल है डेस्कटॉप व्यू, जैसे ही मैं 600 पिक्सल के नीचे गया तो क्या हुआ, ये सब कुछ हो जाएंगे रेड और ये गिरने लग जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं नीचे जाता हूँ 400 के पीछे तो ये सेंटर में आ जाएगा और ये ग्रीन कलर के हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस ये मैजिक है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का, ये मैजिक है आपका मीडिया क्वेरीज का, और ये मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कितने ही चेंजेस कर सकते हो, पूरी लेआउट को चेंज कर सकते हो, पूरी लेआउट को पूरे ही अलग तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, तो जस्ट बेसिक एग्जांपल दिया जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। आप मेरे, अगर आपने वीडियो बेसिक्स नहीं देखे हो तो पहले वो देखो, मीडिया क्वेरीज थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इट इज़ ईजी। एंड गाइस, इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू स्टार्ट योर करियर इन नेक्स्ट 90 डेज, आई वांट यू टू चेक आउट द फ्री ट्रेनिंग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट्स अ 1.5 आवर ट्रेनिंग जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हो इन जस्ट 90 डेज। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, और मैं इस तरह के बहुत सारे वेब डेवलपमेंट कॉन्टेंट बनाता हूँ। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।